नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के माध्यम से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आप कैसे कैलेंडर के माध्यम से ये देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कब से शुरू होने वाला है। क्योंकि कई बार हमें ये सलाह दी जाती है कि हमें कोई भी शुभ काम या फिर कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है कि शुक्ल पक्ष कब से शुरू हो रहा है, कृष्ण पक्ष कब से शुरू हो रहा है, या फिर होता क्या है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी विस्तृत जानकारी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में देने वाली हूँ। साथ ही साथ कैलेंडर से मैं ये बताऊंगी कि कैसे आप कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के धार्मिक वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता क्या है। हम सभी पूर्णिमा के बारे में जरूर जानते हैं कि पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा मतलब होता है कि जब चांद पूरा होता है, जब चांद पूरा आ जाता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के एक दिन बाद से शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि जब चंद्रमा घटना शुरू करता है, तो पूर्णिमा के बाद से अगले दिन से जो है चंद्रमा घटना शुरू कर देता है, तब से हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष हमारा 15 दिनों तक चलता है और इसके बाद अमावस्या आती है, यानी कि काली अंधेरी गहरी रात, और इसके बाद से शुरू होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब होता है कि जब चंद्रमा बढ़ना शुरू करता है। तो इसीलिए जो है शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत शुरू करने की मान्यता है कि हम अगर शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू करते हैं तो जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे रोज प्रगति की ओर बढ़ता है, यानी कि बड़ा होता है, प्रगति की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार जो भी हम काम शुरू करते हैं शुक्ल पक्ष में, वो काम भी हमारा हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। तो ये भी एक मान्यता है शुक्ल पक्ष में व्रत शुरू करने के लिए कि हमारा कार्य जो है उन्नत की ओर ही बढ़ेगा, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उन्नत की ओर बढ़ता है। और साथ ही साथ ग्रंथों में भी ये जानकारी दी जाती है कि शुक्ल पक्ष में हमें व्रत शुरू करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जान सकते हैं कैलेंडर के माध्यम से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कैलेंडर लिया हुआ है। तो कैलेंडर में ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे, वैशाखी पूर्णिमा लिखा हुआ है। पूर्णिमा के बाद लिखा हुआ है कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण, यानी कि जेठ का महीना का कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है। इसी प्रकार से ये पूरा दिन लिखा हुआ होता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, पूरा लिखा रहेगा आप देखिए। और ये देखिए, ये पूरा ज्येष्ठ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और यहाँ पे देखिए प्रदोष और चतुर्दशी के बाद यहाँ पर से अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो ये देखिए शुक्ल पक्ष यहाँ पर से शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। और बात करें, और भी कई सारी चीजें होती हैं कैलेंडर में, यानी कि व्रत को अगर शुरू करना है बहुत सारी चीजें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए भद्रा स्थिति, यहाँ पे गुरु शुक्र तारास्थ है कि नहीं, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है व्रत शुरू करने के लिए, पंचक और ये चंद्र स्थिति, और ये इधर से यानी कि भद्रा स्थिति वगैरह देखी जाती, चंद्र स्थिति और भद्रा स्थिति के। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आप देख सकते हैं कौन सा कैलेंडर है हमारा। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हो सकता है अलग अलग कैलेंडर हो, लेकिन हर एक कैलेंडर में जो है कुछ चीजें अगल बगल और यहाँ पे तारीख के नीचे लिखी ही होती हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सीख ही गए होंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैलेंडर से कैसे देखा जाता है। और व्रत को शुरू करने के लिए और भी कई सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर शुभ मुहूर्त हम कैसे देख सकते हैं किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए या फिर किसी शुभ काम को करने के लिए, उसका एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप YouTube पे ही सर्च करके देख लीजिएगा मेरे चैनल के नाम के बाद जो है लिखिएगा कि कोई भी नया व्रत शुरू कब करना चाहिए, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है कि कोई भी व्रत को शुरू करने के लिए कौन कौन से मुहूर्त देखने चाहिए, कैसे हम कैलेंडर के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं मुहूर्त, और तो आप पूरा सीख भी सकते हैं। तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा एक बार, मेरे चैनल पर जरूर आइएगा। चाहे आप पूर्णमासी प्रदोष एकादशी कोई भी वार से संबंधित पूजा करते हैं तो पूरी पूजा विधि मैं करके दिखाती हूँ, कोई भी वार की पूजा हो या फिर कोई भी त्यौहार की, एक बार चैनल पर जरूर आए। जो भी ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ, जानकारी आपको उपलब्ध कराती रहती हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः।